सोलर एक्लिप्स, आज का जो टॉपिक है वो है सोलर एक्लिप्स। वेलकम टू द चैनल इनफाइनाइट जनरल नॉलेज। तो सब पहले आज हम लोग ये देखते हैं कि एक्लिप्स किसे कहा जाता है। व्हाट इज एन एक्लिप्स? तो एक्लिप्स इट इज एन फेनोमेना व्हेन द मून और द सन सीम्स टू बी कंप्लीटली और पार्शियली डिसअपीयर because one of them is passing between the other and the earth. ये एक ऐसा process है, ये एक ऐसा phenomena है जहाँ पे moon और sun, moon या फिर sun में से कोई जो है वो दिखता है कि वो या फिर वो completely पूरी तरीके से या फिर partially थोड़ा सा जो है वो disappear कर जाता है because उन लोगों में से sun या फिर moon में से कोई भी जो होता है वो earth के बीच में से क्रॉस कर रहा होता है, अर्थ और सन के बीच में से, या फिर मून क्रॉस कर रहा होता है, या फिर अर्थ और मून के बीच में से जो है वो सन क्रॉस कर रहा होता है। जब ऐसा प्रोसेस होता है तो इसी को एक्लिप्स कहा जाता है। इसका हिंदी ट्रांसलेशन क्या है, देखिए, जब चंद्रमा या सूर्य पूरी तरह से या आंशिक रूप से गायब हो जाता है क्योंकि उनमें से कोई एक दूसरे या फिर पृथ्वी के बीच से होकर गुजर रहा होता है, इसी प्रोसेस को एक्लिप्स कहा जाता है। सेकेंड है, व्हाट इज सोलर एक्लिप्स? अब सोलर एक्लिप्स जिसे हम लोग सूर्य ग्रहण के नाम से जानते हैं वो क्या है? तो सोलर एक्लिप्स ऑकर व्हेन द मून गेट्स बिटवीन द अर्थ एंड द सन। सोलर एक्लिप्स तब होता है जो मून होता है वो अर्थ और सन के बीच में आ जाता है, तब सोलर एक्लिप्स होता है। द मून कास्ट अ शैडो ओवर द अर्थ। मून जो है वो सन और अर्थ के बीच में आने की वजह से वो पृथ्वी पर एक छाया डालता है, उसी को सोलर एक्लिप्स कहा जाता है। तो सोलर एक्लिप्स तब होता है जब मून जो होता है वो अर्थ और सन के बीच में आ जाता है। सूर्य ग्रहण तब होता है जब चंद्रमा पृथ्वी और सूर्य के बीच आ जाता है और चंद्रमा पृथ्वी पर छाया डालता है, दैट इज नोन एज सोलर एक्लिप्स। यहाँ पे देखिए मैंने एक इमेज शेयर किया है, यह है सोलर एक्लिप्स का इमेज। यहाँ देखिए मैं इसे दिखा रही हूँ। तो ये वाला जो पार्ट है जो एकदम मून के अर्थ के साइड और मून के ऑपोजिट साइड, ये वाला जो पार्ट है, जो डार्क पार्ट है जिसका शेडो जो है वो अर्थ के ऊपर पड़ रहा है, इस पार्ट को, इस रीजन को बोला जाता है अम्ब्रा। अम्ब्रा जो होता है द सेंट्रल पार्ट ऑफ द शैडो वेर इट इज कम्प्लीटली डार्क। ये बहुत ज्यादा डार्क है, ये जो कम्प्लीट डार्क वाला जो एरिया है इसको अम्ब्रा कहा जाता है। और इससे जस्ट ऑपोजिट में ये जो पार्ट है लाइट कलर जिसका है, द आउटर पार्ट ऑफ द शैडो दैट इज लेस डार्क देन द सेंट्रल पार्ट, ये लेस डार्क होता है, कम काला होता है सेंट्रल पार्ट के मुकाबले, इसको पेनम्ब्रा कहते हैं। ये है अम्ब्रा और ये है पेनम्ब्रा। इसका नेक्स्ट, इसका डेफिनेशन जो है मैं जब लूनर एक्लिप्स का वीडियो बनाऊंगी उसमें दे दूंगी। तो ये पार्ट हो गया अम्ब्रा और ये पार्ट हो गया पेनम्ब्रा। ये है सन और ये है अर्थ और यहाँ पर बीच में जो है वो मून आ जाता है। तो मून का जो डार्क पार्ट है जो सन को कवर, सन के रेस को कवर करता है, वो जाकर के इस पार्ट को ढक देता है अर्थ को, जिसके वजह से एक्लिप्स होता है, इसी को सोलर एक्लिप्स कहा जाता है। सन और अर्थ के बीच में जो है वो मून आ जाता है। व्हाट आर द फोर टाइप्स ऑफ सोलर एक्लिप्स? अब चार तरीके के सोलर एक्लिप्स क्या क्या होते हैं? द फोर टाइप्स ऑफ सोलर एक्लिप्स आर, चार तरीके के सोलर एक्लिप्स हैं। सबसे पहला है टोटल सोलर एक्लिप्स, उसके बाद है पार्शियल सोलर एक्लिप्स, फिर है एन्युलर सोलर एक्लिप्स और लास्ट में है हाइब्रिड सोलर एक्लिप्स। ये है चार तरीके के सोलर एक्लिप्स। अब सबसे पहले देखते हैं टोटल सोलर एक्लिप्स किसे कहा जाता है। टोटल सोलर एक्लिप्स, टोटल सोलर एक्लिप्स हैपन व्हेन द न्यू मून कम्स बिटवीन द सन एंड द अर्थ। टोटल सोलर एक्लिप्स तब होता है जब न्यू मून जो होता है, जिसको हम लोग अमावस बोलते हैं, वो सन और अर्थ के बीच में चला आता है। तो उस टाइम क्या होता है, मून में कोई भी लाइट नहीं होता, मून जो होता है वो पूरा डार्क दिखता है। तो टोटल सोलर एक्लिप्स हैपन व्हेन द न्यू मून कम्स बिटवीन द सन एंड द अर्थ एंड कास्ट अ डार्क पार्ट ऑफ इट्स शैडो, और अपने छाया का जो डार्क पार्ट होता है जिसको हम लोग अम्ब्रा बोलते हैं वो अर्थ पर डालता है। तो टोटल सोलर एक्लिप्स हैपन व्हेन द न्यू मून
comes between the sun and the earth and casts the darkest part of its shadow, the umbra, on earth. तो पूर्ण सूर्य ग्रहण तब होता है जब अमावस्या सूर्य और पृथ्वी के बीच आती है और अपनी छाया का सबसे गहरा हिस्सा पृथ्वी पर डालती है. इसी को पूर्ण सूर्य ग्रहण कहा जाता है. पार्शियल सोलर इक्लिप्स किसे कहते हैं? तो पार्शियल इक्लिप्स ऑकर व्हेन द सन एंड द मून आर नॉट एग्जैक्टली इन लाइन. पार्शियल सोलर इक्लिप्स तब होता है जब सन, मून और अर्थ जो है वो एक स्ट्रेट लाइन में नहीं होते हैं. एंड द मून ओनली पार्शियली ऑब्स्क्योर्स द सन. और जो मून होता है वो पार्शियली मतलब हल्का सा छाया के रूप में जो है वो सन के किसी पार्ट को ढक देता है. तो पार्शियल इक्लिप्स ऑकर व्हेन द सन एंड द मून आर नॉट एग्जैक्टली इन लाइन विद द अर्थ एंड द मून ओनली पार्शियली ऑब्स्क्योर्स द सन. तो एक आंशिक ग्रहण तब होता है जब सूर्य और चंद्रमा बिल्कुल पृथ्वी के अनुरूप नहीं होते और चंद्रमा केवल आंशिक रूप से सूर्य को ढकता है. इस प्रोसेस को पार्शियल सोलर इक्लिप्स कहा जाता है. यहाँ पर देखिए मैंने एक इमेज भी शेयर किया है. ये है टोटल और पार्शियल सोलर इक्लिप्स. जब सन, मून और अर्थ एक स्ट्रेट लाइन में होते हैं तो इसको टोटल सोलर इक्लिप्स कहा जाता है. लेकिन जब ये मून जो है जब अपने पास से हट करके इस तरफ जब वो जाता है तो वो अपनी छाया की वजह से सन के कुछ ही पार्ट को जो है वो ढक पाता है. इसको पार्शियल सोलर इक्लिप्स कहा जाता है. मतलब जब इस पोर्शन पर डायरेक्ट इस पॉइंट पे जब अंधेरा होगा तो ये होगा टोटल सोलर इक्लिप्स, क्योंकि सन, मून और अर्थ जो है वो स्ट्रेट लाइन में होंगे. लेकिन जब मून जो है वो ट्रैवल करके इस तरफ चलाएगा और इस पोर्शन में जब अंधेरा होगा तो इसको पार्शियल इक्लिप्स कहा जाएगा. ये है टोटल और पार्शियल सोलर इक्लिप्स का डेफिनेशन. एन्युलर सोलर इक्लिप्स. एन्युलर सोलर इक्लिप्स किसे कहा जाता है? तो एन एन्युलर इक्लिप्स ऑकर व्हेन द सन एंड द मून आर एग्जैक्टली इन लाइन विद द अर्थ बट द एपरेंट साइज ऑफ द मून इज स्मॉलर देन द अर्थ हेंस द सन अपीयर्स एज अ वेरी ब्राइट रिंग सराउंडिंग द डार्क डिस्क ऑफ द मून. तो एन्युलर इक्लिप्स तब होता है जब सन, मून और अर्थ जो है वो एग्जैक्टली एक ही लाइन में होते हैं, लेकिन सन का साइज जो है वो बहुत ज्यादा बड़ा है और मून का साइज जो है वो छोटा सा है. तो इसलिए सन बड़ा होने की वजह से और मून छोटा होने की वजह से उसके बीच वाले पोर्शन को सिर्फ कवर कर पाता है. तो सन जो है वो एक रिंग के जैसा दिखता है. इसी को एन्युलर सोलर इक्लिप्स भी कहा जाता है. तो एन्युलर इक्लिप्स ऑकर व्हेन द सन एंड द मून आर एग्जैक्टली इन लाइन विद द अर्थ बट द अपेरेंट साइज ऑफ द मून इज स्मॉलर देन दैट ऑफ द सन हेंस द सन अपीयर्स एज वेरी ब्राइट रिंग. इसकी वजह से सन का जो साइड वाला पार्ट है वो एक बहुत बड़ी रिंग के जैसा दिखता है सराउंडिंग द डार्क डिस्क ऑफ द मून. तो एक कुंडलाकार ग्रहण तब होता है जब सूर्य और चंद्रमा बिल्कुल पृथ्वी के अनुरूप होते हैं, लेकिन चंद्रमा का स्पष्ट आकार सूर्य से छोटा होता है. इसलिए सूर्य चंद्रमा की काली डिस्क के चारों ओर एक बहुत चमकीले वलय के रूप में दिखाई देता है. इसी को एन्युलर सोलर इक्लिप्स कहा जाता है. हाइब्रिड सोलर इक्लिप्स. हाइब्रिड सोलर इक्लिप्स क्या होता है? अ हाइब्रिड इक्लिप्स आल्सो कॉल्ड एन्युलर और टोटल इक्लिप्स. हाइब्रिड इक्लिप्स को एन्युलर या फिर टोटल इक्लिप्स भी कहा जाता है. टोटल इक्लिप्स शिफ्ट्स बिटवीन अ टोटल एंड द एन्युलर इक्लिप्स. ये ना ही टोटल इक्लिप्स होता है और ना ही पूरी तरीके से एन्युलर इक्लिप्स होता है, उनके बीच में होता है. एट सर्टेन पॉइंट ऑन द सर्फेस ऑफ द अर्थ इट अपीयर्स एज अ टोटल इक्लिप्स whereas at other points it appear as annular. क्योंकि उसी time में, same time में जब total eclipse के जैसा भी earth के किसी part में total eclipse के जैसा दिखता है और earth के किसी part में वो annular eclipse के तरह दिखता है, इस तरीके के eclipse को hybrid solar eclipse कहा जाता है. And hybrid eclipse also called annular या फिर total eclipse shifts between a total and annular eclipse. At certain point on the surface of the earth, it appears as a total eclipse, whereas at another points, it appears as annular. तो शंकर ग्रहण,
हाइब्रिड सोलर इक्लिप्स को शंकर ग्रहण कहा जाता है, जिसे कुंडलाकार या फिर कुल ग्रहण भी कहा जाता है। कुल और वलयाकार ग्रहण के बीच बदलता है। पृथ्वी की सतह पर कुछ बिंदुओं पर यह पूर्ण ग्रहण के रूप से दिखाई देता है, जबकि अन्य बिंदुओं पर यह वलयाकार के रूप से दिखाई देता है। होता वो एक इस तरीके का इक्लिप्स है जो अर्थ में किसी जगह से देखने पर वो टोटल सोलर इक्लिप्स लगेगा और किसी जगह से वो देखने पर एन्यूलर सोलर इक्लिप्स लगेगा। इस तरीके के इक्लिप्स को हाइब्रिड सोलर इक्लिप्स कहा जाता है। टू बी कंटिन्यूड। इसके नेक्स्ट पार्ट में लूनर इक्लिप्स क्या होता है, कितने तरीके के लूनर इक्लिप्स होते हैं, वो मैं डायग्राम उसका मैं डायग्राम देकर के वीडियो बनाऊंगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग।